ओके तो अभी स्टार्ट करते हैं विद लास्ट चैप्टर सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन. और आपके पास ये शीट है, कितने लोगों के पास नहीं है? एक और दो तीन चार चार. जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A52 शीट बाहर से प्रिंट आउट लें और प्लीज़ उनको बोलना A52 नाम की शीट की 5 प्रिंट से देंगे. बोल दो बाहर सेक्शन बोल दो A52. ओके A52 नाम की शीट प्लीज प्रिंट आउट लेके नेक्स्ट यहां से शुरू करते हैं. आखिरी चैप्टर है सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन. कितना इंपॉर्टेंट है? दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आ जाते हैं, मींस इस दो में से एक आएगा आपके स्कूल के एग्जाम में, बताऊंगा कौन सा. मेंस में से आज मैं आपको मेंस नीट के क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं. तो 2 साल के क्वेश्चन आज हम करेंगे और बाकी MTG की बुक आपके पास है, आप आराम से करते जाना. अगर पुराना एनालिसिस किया जाए ग्रेविटेशन में से, तो मैं 2 साल में से 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ. 3-3 सेट बनते हैं, 6 6 में से एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बाकी 5 मुझे नॉर्मल लगे. बाकी आपसे पूछूंगा आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका लगना ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक, तो देखते हैं कि क्या आता है. राइट, उसके बाद ये सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन के अंदर सपोज करो मुझे एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है. अगर कोई ये सोचता है कि सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बहुत बाहर होती है, तो नहीं होती. सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत पास होती है, क्लोज होती है, फिर भी नीचे नहीं गिरती. मैं रीजन बताता हूं. इमेजिन करो कि मैंने एक पेन को यहां से फेंका प्रोजेक्टाइल की तरह, तो पेन प्रोजेक्टाइल की तरह ग्राउंड पे लैंड कर गया. इमेजिन करो मैंने अब थोड़ा और ऊपर से फेंका, प्रोजेक्टाइल थोड़ा दूर जाके गिर गया. इमेजिन करो अब मैं छत पर जो टावर है टेलीकॉम वालों का उसके ऊपर जाके फेंकता हूं, तो हो सकता है वो दो अगली बिल्डिंग पे जाके गिरे. ठीक, यहां नहीं, थोड़ा दूर जाके गिरेगी. सपोज मैंने डबल टावर कर दिया, दो हाइट ऊपर चला गया टावर जितनी, अब दो शोरूम जाके गिर जाएगी. मैंने मान लो 100 गुना ऊपर टावर पे चढ़ गया मैं, बहुत बहुत ऊपर टावर, अब मैं गिरूंगा तो हो सकता है कि मैं सेक्टर 10 तक तो गिर ही दूंगा. और अगर सपोज करो मैं और 1000 गुना ऊपर और चला जाता हूं, तो हो सकता है कि मैं इस पूरी सिटी के वहां बहुत दूर तक फेंक सकता हूं. इमेजिन करो ऐसे ही अगर ये अर्थ है और एक सैटेलाइट बहुत हाइट ऊपर 200-400 किलोमीटर ऊपर चली जाती है, और अब वहां से एक पॉइंट मास की तरह सैटेलाइट को फेंकते हो. सैटेलाइट एच हाइट पर है, तो सैटेलाइट प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिरती है ड्यू टू ग्रेविटी. पर क्योंकि अभी जब मैं हाइट कम थी तो ग्राउंड फ्लैट था, बहुत ऊपर से मुझे राउंड दिखना स्टार्ट हो गया, अर्थ राउंड है, तो अब वो नीचे गिरने की कोशिश तो कर रही है पर गिर नहीं पा रही, क्योंकि वो गोल है सरफेस ऑफ अर्थ, और उसको कौन खींच रहा है? अर्थ का सेंटर. और क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपेटल. और वेलोसिटी टेंजेंशियल है, इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल, वो घूमती ही जाएगी. लेकिन अगर आपने ऐसे ड्रॉप कर दिया फिर नहीं, फिर वो ऐसे गिरेगी, तो आपको थोड़ा वेलोसिटी से उसको फेंकना पड़ेगा ताकि सैटेलाइट किसी वेलोसिटी से जाए और अर्थ उसे खींचती जाए टुवर्ड सेंटर, और वो किस में मूव करती जाए? इन अ सर्कल. तो लॉन्च करनी पड़ती है, कभी कभी गिर भी जाती है सैटेलाइट, आपने सुना होगा सी में या कहीं पर भी, वो यही होता है कि सफिशियंट वेलोसिटी मिलती नहीं है और ग्राउंड मिल जाता है और वो सीधे नीचे गिर जाती है. अब सबसे बड़ी बात इसके अंदर कि जो सैटेलाइट है उसके अंदर ये जो घूम रही है जैसे मैंने बताया, तो ये सेंट्रीपेटल चाहिए. तो सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाएगा? रॉकेट लेके जाएगा सैटेलाइट को, रॉकेट ऊपर 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 जाएगा, रॉकेट डायरेक्शन चेंज कर लेगा, बहुत तेजी से मूव करता हुआ सैटेलाइट को ड्रॉप कर देगा, और इस तरीके से सैटेलाइट अब घूमती जाएगी. राइट, प्रोसेस. अब मैं तो सैटेलाइट को ऐसे फेंकने से भारी है, तो रॉकेट ही इस तरीके से जाके बहुत तेज हो जाएगा और फिर ड्रॉप भी करेगा, रॉकेट की स्पीड तो मिली जाएगी उसको सैटेलाइट को, फिर हमेशा घूमती रहेगी. राइट, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, एकदम क्लियर है? तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है. सैटेलाइट मान लो अब घूमना स्टार्ट हो गई एक ऑर्बिट में, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं जिसमें कि सैटेलाइट घूम रही है? उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी.
तो ऑर्बिट में घूमने की वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी. और मैं क्या सॉल्व करने जा रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर है और एच हाइट पर एक सैटेलाइट है, वो वी वेलोसिटी से घूम रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो क्योंकि सर्कल में घूम रही है तो कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रिपिटल. सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू होती क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर. लेकिन यहां पर डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर प्लस एच. तो ये स्टेप समझ में आया कि एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं, आर प्लस एच. ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रिपिटल. कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल, ग्रेविटी का पुल, ग्रेविटेशनल पुल अर्थ और सेटेलाइट का. बोलो जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सेटेलाइट अपॉन आर प्लस एच का होल. डन, समझ में आ गया. तो ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच. छोटा एम से छोटा एम कैंसिल, छोटा एम किसका मास है इसमें, सेटेलाइट का मास हो गया कैंसिल. तो यहां से क्या बच गया, जो वेलोसिटी आई दैट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ नॉट ऑन सेटेलाइट. तो वेलोसिटी जिससे कि एक सेटेलाइट सर्कल में घूमती है इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है यहां तक. अब कैपिटल स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय बड़ा आर स्क्वायर. जी एम क्या होगा, छोटा जी आर स्क्वायर. इस जी एम की जगह छोटा जी आर स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो कैपिटल जी के फॉर्म में भी आ गया और स्मॉल जी के फॉर्म में भी ऑर्बिटल की वैल्यू आ गई. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है. सपोज करो अगर एक सैटेलाइट, पॉइंट मास है जी, बिल्कुल, जहां जी एम एम बाय आर स्क्वायर हो गया, अर्थ भी, अर्थ तो चलो स्फेयर है, स्फेयर तो शेल थ्योरम चलती है. तो अर्थ अपने सैटेलाइट को पॉइंट मास, अर्थ के सामने सैटेलाइट है क्या, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसी करोड़ों सैटेलाइट अर्थ प्रोड्यूस कर सकती है, क्या ही फर्क है. ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. तो स्पेशल केस, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब आर जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, और मान लो आपकी सैटेलाइट 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक की है बस, और नॉर्मल रेंज इतनी होती है, 500, 600 किलोमीटर पे चलती है सैटेलाइट, तो हजारों में भी चलती है खैर. तो सैटेलाइट अगर बहुत पास है तो आर के मुकाबले एच इज स्मॉल, आर के मुकाबले एच इज स्मॉल, तो एच को ऑलमोस्ट जीरो अप्रोक्सीमेटली आर के मुकाबले, इनके एडिशन में आर बहुत बड़ा है उसके सामने ये छोटा है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले एच ऑलमोस्ट जीरो, फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, छोटे जी वाले फॉर्मूले में भी एच जीरो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो छोटा जी आर. याद करो इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी. कितने लोगों को ये शीट नहीं मिली अभी, तीन चार तो ये पड़ी हैं, पीछे देना, पीछे देना, इधर से चार, इधर से हाथ खड़ा करना, चार लोग हैं, बोला ही थे ना अभी शीट के लिए, बोल दिया था, पीछे फिर बोलना है यार, आगे थोड़ा जल्दी दे देगा. टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट का टाइम पीरियड से मतलब यह है कि एक सैटेलाइट एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, टाइम पीरियड. ठीक, टाइम पीरियड निकलेगा कैसे, सैटेलाइट मान लो एच रेडियस, एच डिस्टेंस हाइट पर है, मतलब दूर है, मान लो एक मिनट के लिए एच ऑलमोस्ट जीरो नहीं लिया, तो एक चक्कर का डिस्टेंस क्या होगा, टू पाई आर प्लस एच, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई
स्पीड, स्पीड कितनी है सैटेलाइट की, v, और इस v को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई डाउट इसमें, v फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, कोई डाउट इसमें, पुट कर दिया जो निकाला, इसको रीअरेंज किया, ये टर्म ऊपर आ गई, रेसिप्रोकल हो गया, r प्लस एच जब अंडर रूट में जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर जाके एंटर करेगा तो r प्लस एच का होल क्यूब, टाइम पीरियड आ गया, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है यहां तक, तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड क्लियर है, निकाल लोगे यहां तक, ये टिपिकल सीबीएसई चल रही है, वो आएगा इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लो, टाइम पीरियड निकाल लो, समझ में आ रहा है। अब फिर से एक बार, सैटेलाइट अगर बहुत पास है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो अगर सैटेलाइट बहुत पास है सरफेस ऑफ अर्थ के तो एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, सेम स्पेशल केस है, टाइम पीरियड में एच को जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, कैपिटल जी एम को छोटे जी की फॉर्म में पुट करेंगे तो जी आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, आर बच जाएगा, ये वैल्यू आ गई, तो टी इज इक्वल टू टू पाई रूट आर बाई जी, तो ये एक कॉन्स्टेंट है क्योंकि आर भी कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, टू पाई भी कॉन्स्टेंट है, और अप्रोक्सीमेटली इसका जो टाइम पीरियड 24 आवर्स आएगा। रीजन, सेटेलाइट जब बहुत नजदीक होगी सरफेस ऑफ अर्थ के, अर्थ घूम रही है सेटेलाइट भी साथ साथ घूम रही है, ऐसा थोड़ी ना होगा, आपने सुना होगा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स वो सेटेलाइट्स हैं जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, वो क्यों, इंडिया ने सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया, सेटेलाइट बहुत दूर थी, अर्थ दिन में, अर्थ 24 घंटे में पहले घूम गई, सेटेलाइट 48 घंटे में घूम रही है, मान लो तब तक वो कई कंट्री घुमाएगी, इतने में तो कई कंट्री उड़ाई देंगे उसको, तो अगर पड़ोस के उसमें चली जाए सेटेलाइट, कौन बर्दाश्त करेगा कि आप किसी के घर में आके देख रहे हो कि क्या हो रहा है वहां, और स्पेशली आर्मी वाले तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा से इंट्रूजन होगी अगर इस तरीके की, तो इसलिए अपना कंट्री अपना सेटेलाइट, तो वो यही चाहेंगे कि अगर अगर हाइट ज्यादा करनी भी है तो विद ड्यू परमिशन, वो पूरा इंटरनेशनल लेवल है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, फोन कॉल्स हो सकती हैं, हाँ ठीक है, फोन कॉल्स अलाउड है, आप कर सकते हो वो भी, तो मतलब इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन है जो शेयर करनी है वो भी विद परमिशन, तो मांगनी पड़ती है, ऐसे नहीं शेयरिंग होती, बट हाँ हम अपने कंट्री में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए सैटेलाइट का जियो स्टेशन, सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या रखा जाता है, 24 आवर्स कॉन्स्टेंट रखा जाता है, हमारे साथ साथ घूमे, कोई डाउट इसमें, सो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है क्या निकालना है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, हाइट ऑफ द, कोई ये ना कहे सैटेलाइट तो बहुत नजदीक है सर्वे तो वर्थ के, एच को जीरो कर दो, नहीं नहीं मतलब अब लेना पड़ेगा, अब एच जीरो नहीं है, अब कुछ तो हाइट निकालनी पड़ेगी, एच निकालना है इसका मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से, याद नहीं करना, टाइम पीरियड हमने निकाला था अभी, वही एक्सप्रेशन लिख दो, इसमें अगर मैं कहूँगी एच निकालो तो स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करके ये टर्म आएगी, एक काम करो ये वाली टर्म को इधर ले जाओ तो जी एम इधर आ गया, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ गया, आर प्लस एच का होल क्यूब आ गया, आर प्लस एच क्या होगा, क्यूब रूट इधर आएगा, 3 इधर आएगा तो 1/3, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू आर इधर चला गया, हाइट आ गई, याद नहीं करना कोई फॉर्मूला, आ गया तो खुद बना लेंगे उसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, मतलब एनसीईआरटी में आता है हाइट ऑफ सैटेलाइट कॉम्पिटिशन में तो मुश्किल है, प्रूव करना ही आ सकता है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं आता है इसमें, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे हाइट निकलती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये मेंस में, नीट में और एनसीईआरटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, देखो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट के अंदर, सपोज ये आपके पास अर्थ है और ऊपर एक एम मास, पॉइंट मास की सैटेलाइट है और मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक, सैटेलाइट जो मूव करती है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है यहां तक। तो अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या डराइव किया था, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, कोई डाउट इसमें, ठीक ये था। मुझे क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी, क्योंकि सैटेलाइट हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल भी होगी उधर से, इसके बाद पोटेंशियल भी होगी और मूव कर रही है तो इसके पास काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, डन। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर प्लस, गुड आउट, पोटेंशियल क्लियर। काइनेटिक में हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर, गलती से मास में कंफ्यूजन मत कर लेना, अर्थ की थोड़ी ना एनर्जी निकाल रहे हैं सैटेलाइट की, तो काइनेटिक एनर्जी भी किसकी, सैटेलाइट की, कोई डाउट इसमें, डन। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं जिससे घूमती है सैटेलाइट, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का फॉर्मूला है हमारे पास, इसको उठा के यहां पुट कर दिया, इसका स्क्वायर,
अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ गई, पोटेंशियल। ये क्या है, काइनेटिक। फॉर्मूला सबने देख लिया एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर, बस ये बताओ, ये जरा ध्यान से देखना, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, याद है, काइनेटिक देख लिया, काइनेटिक देख लिया, इनको ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ गई। टोटल क्या आ गई,
ये आ गई, कोई डाउट इसमें? अब फॉर्मूला याद कैसे करना है? जो तो टोटल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, याद ही नहीं जरूरत करने की, अगर ये याद है तो ये भी याद है। और अब इस पे आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, मैग्नीट्यूड को देखते हैं, माइनस साइन छोड़ देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल, केमिस्ट्री तो नहीं याद आ रही, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टोटल काइनेटिक पोटेंशियल टोटल, ऐसे करते हैं ना, ऐसे सिखाते हैं ना केमिस्ट्री में कि बोहर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसके पोटेंशियल भी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक और साथ में काइनेटिक भी होती है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो ऐसा ही कुछ रिलेशन शो करती है, ऐसा ही है, कोई डाउट इसमें? टोटल के फॉर्मूले पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एस्केप वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में हमने क्या करना है, और हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने ऊपर की थी वो सैटेलाइट की वेलोसिटी है, और इसमें लिखा हुआ है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आती है, अगर आप वैल्यूज को पुट करें अंदाजे से, मतलब एक सेकेंड में एक सैटेलाइट 7.9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है, बहुत है, कर गई 8 किलोमीटर कर गई अभी, तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड क्लियर है, हाइट ऑफ सेटेलाइट, बात करते हैं एस्केप की। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है आपने एक पत्थर उठाया या पेन उठाया, कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया और आपने सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के इसको फेंक दिया, अब 4 मीटर 10 मीटर 20 मीटर फेंक लोगे, मैं चाहता हूं कि वो इतनी दूर से ही बाहर चला जाए और फिर वापस ना आए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, तो मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो वापस ही ना आए और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि उस केस में वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के पुल से क्या कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा, कोई डाउट इसमें? अब ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पत्थर उठाना पड़ेगा और वर्क डन करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, यार ऐसे कैसे अपने उड़ जाएगा वो, तो फेंकना पड़ेगा ऊपर, और जब मैं कहता हूं फेंकना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है यहां तक? और मुझे यह बताओ कि मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज करो आपके पास ये अर्थ है, आपको एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आना है और यहां पर रखना है, यहां पर, राइट? तो बताओ आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां पर रखने का वर्क डन? रजिस्टर कंप्लीट से नहीं किए लगते, इसी को तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पे निकालनी है तो डेरिवेशन क्या थी? इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेके आओ और जहां निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी वहां पे रख दो, अमाउंट ऑफ वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, ऐसे किया था। उसमें क्या किया था? कहां से लेके आए थे? इन्फिनिटी, और कहां पे रखा? आर पे। इसमें उल्टा है, इसमें आर से उठाने और कहां पे फेंकने? इन्फिनिटी। तो बोलो वर्क डन, उल्टा वर्क डन क्या आएगा? प्लस जी एम 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 बाय, कोई डाउट इसमें? समझ में आया यहां तक? तो इन्फिनिटी से आर पे लाने का इतना वर्क डन और उल्टा वर्क डन फेंकने का वर्क डन पॉजिटिव कर देंगे, राइट? पर स्कूल के टीचर मानेंगे नहीं ना, यहां से शॉर्टकट हो गया, तो वो कहेंगे कैसे? तो आप कहोगे बिल्कुल वैसे ही
कि अगर ये अर्थ का सेंटर है और किसी इंस्टेंट पर एक ऑब्जेक्ट को मैं बाहर लेके जा रहा हूं ग्रेविटी के स्पेस से, तो दूर लेके जा रहा हूं कहां तक, इन्फिनिटी, रास्ते में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई होगी dx, तो अमाउंट ऑफ, और यहां पे प्लीज ड्रॉ कर लेना, सेंटर से dx का डिस्टेंस है x, दिस इज x, ड्रॉ करो, दिस इज x, ठीक है, लिख लिया, और यहां पर बोलो फोर्स क्या होगी, जी एम एम बाई एक्स का स्क्वायर, फोर्स इज चेंजिंग, बिल्कुल वैसी जैसे पोटेंशियल एनर्जी में था, तो आप वर्कडन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करनी ही पड़ेगी। तो अब ऑब्जेक्ट को कौन उठा के लेके जाएगा इंफिनिटी पे, मैं कि अपने आप उड़ जाएगा, ऐसे पेन उड़ता 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 अपने आप भाग जाएगा, मैं ऑब्वियसली मैंने फोर्स लगानी है, मैं ही लेके जा रहा हूं, तो वर्कडन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में क्या हो रहा था, वर्क डन कौन कर रहा था, ग्रेविटी, वो क्यों नीचे भेजने, तो आपको क्या टच करना, पेन को छोड़ दो ना, अपना नीचे चला जाएगा, तो इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें फोर्स की डायरेक्शन मेरी कहां होगी, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, ऊपर, एंगल उनके बीच में उसमें 180 था, याद करो, नहीं उसमें भी जीरो था, उसमें सॉरी वो था कि हाँ फोर्स नीचे भी आ जाए, हाँ उसमें भी जीरो था, राइट, इसमें भी जीरो है क्योंकि इसमें फोर्स ऊपर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, राइट, हाँ लिमिट में उल्टा हो जाएगा इसमें, देखते हैं कैसे। तो फोर्स की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर x डिस्टेंस पे जीएम में बाय x स्क्वायर, क्लियर है। ऑब्जेक्ट को कहां भेजना है, अर्थ की सरफेस से सेंट, तो अर्थ की सरफेस यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है r, और कहां भेजना है, इंफिनिटी, लिमिट बताओ r से, ठीक हो गया, उसमें डेरिवेशन में उल्टा था, उसमें लिमिट क्या थी, इंफिनिटी से r, तभी तो नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता था, इसमें r से इंफिनिटी, क्लियर है, ठीक है। तो gmm बाहर आ गया, 1 बाय x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन x की पावर माइनस टू, x की पावर माइनस टू इज x की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, आर से इंफिनिटी, माइनस बाहर आ गया, x की पावर माइनस वन इज 1 बाय x, कहां से कहां तक, r से इंफिनिटी, इसमें लिमिट पुट कर लो, एक बार अपर लिमिट इंफिनिटी, एक बार लोअर लिमिट r, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, वही आना राइट, तो मैंने आपको शॉर्टकट पहले ही बता दिया था, नहीं भी आएगा तो आज पता ही है क्या लिखना है अपने स्कूल में, गलती होने का चांस नहीं है इसमें, जी एम एम बाई आर स्क्वायर आर पता ही है इसमें आंसर क्या आएगा, बट प्रूव हो जाएगा, मतलब एक यार पोटेंशियल जी अगर याद है, लिमिट तो चेंज किया उसमें, ठीक है दिवांग, क्लियर है दिवांग। अब ये वर्क डन आपने किया कैसे, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन है वो आप कैसे कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दिस वर्क डन जो आया आपने कैसे फेंका, काइनेटिक देके, काइनेटिक किसको दिया, ऑब्जेक्ट को, और वेलोसिटी को क्या नाम देंगे, एसके, क्योंकि इतना वर्क डन सफिशिएंट है इंफिनिटी पे लेके जाने के लिए, तो यहां पर वेलोसिटी इन्होंने एसके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कैंसिल हो गया, आंसर इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, एस्केप का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gm by r, फर्क समझ में आ रहा है, gm by r, 2gm by r, ये वर्क डन किया। मेरे को किसी ने कहा सर 10 जूल है ये, मान लो 10 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे फेंक सको, मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूं, किस फॉर्म में करोगे, काइनेटिक, तो 10 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेट कर दिया, क्लियर है यहां तक, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, और अगर आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर आप 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो, और करवाते जाओ करवाते जाओ करवाते जाओ, फिर वापस नहीं आती, फिर वो वापस नहीं आएगी और एस्केप कर जाएगी।
ओके एक टिपिकल फिर से एनसीईआरटी का टॉपिक, ये एनसीईआरटी में आता है प्रूव करने के लिए, प्रूफ ऑफ केपलर थर्ड लॉ। केपलर के कितने लॉ थे? तीन। पहले का प्रूफ हमने नहीं किया, सिर्फ लॉ पता है हमें, रोटेशनल में किया था। सेकंड का प्रूफ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, याद होगा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो हमने रोटेशनल में कर दिया था। तीसरा ये तो पता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, लेकिन प्रूफ नहीं किया, ये आ जाता है स्कूल में, प्रूफ है। मान लो एक सैटेलाइट सन या जो भी है प्लैनेट है, रादर सैटेलाइट छोड़ो, एक प्लैनेट है, अर्थ है, सन से आर दूरी पे है और वो घूम रही है सर्कल में। घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रिपिटल, एमवी स्क्वायर बाय आर, राइट। और ये सेंट्रिपिटल कौन प्रोवाइड करता है? अर्थ की ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब जी एम एम बाय आर स्क्वायर, कोई डाउट है? एम से एम कैंसल, ये वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ एक सैटेलाइट की तरह काम कर रही है सन की, और सैटेलाइट की वेलोसिटी भी यही होती थी जी एम बाय, बस वो फर्क था कि कैपिटल आर था, इसमें स्मॉल आर है। समझ में आ रहा है यहां तक? ये तो ड्राइव ही कर दिया हमने। तो इतनी वेलोसिटी से अर्थ क्या कर रही है? सर्कल में घूम रही है। तो अर्थ का एक चक्कर का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई आर बाय वी। वी को उठा के नीचे पुट कर दें, आर या रेसिप्रोकल हो गया, तो आर जब इसके अंदर जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा, ये टर्म आ गई। स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करेंगे टी स्क्वायर आ गया, आर क्यूब आ गया, ये टी स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर, और ये सब कॉन्स्टेंट है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है यहाँ तक? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब किया जा सकता है इसमें, एनसीईआरटी में आएगा ये सीधा, हो जाएगा प्रूफ, ठीक। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है टू डराइव न्यूटन लॉ ऑफ फ्रॉम केपलर्स लॉ। वैसे अगर मुझसे मतलब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता, और टिपिकल सीबीएसई की कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, और अगर मुझसे कोई पूछे कि सर प्रूव कर सकते हो केपलर लॉ से ग्रेविटेशनल का लॉ, तो केपलर लॉ क्या है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो एफ जो अभी अभी जो टॉपिक किया था वो कर क्या रहा था? वो यही तो कर रहा था कि स्टार्ट उसने किस फॉर्मूले से किया? जी एम एम बाय यानी कि न्यूटन का लॉ, और एंड प्रूव क्या किया? केपलर का थर्ड लॉ, यही बनता है ना। अगर मुझे कोई कहे कि सर केपलर के लॉ से न्यूटन का लॉ प्रूव कर दोगे तो करना क्या है? मेरे हिसाब से तो ये लिखा, फिर मैंने ये कांस्टेंट लिख दिया, फिर मैंने ये स्टेप बना दिया, और फिर मैंने उल्टा स्टेप लिखा, उल्टे करते करते वही स्टेप आ जाएगा न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन के फॉर्मूले से केपलर आ गया, तो केपलर के फॉर्मूले से न्यूटन जाने का रास्ता तो वही रहेगा ना, ठीक। वो अलग बात है कि स्कूल वाले शायद नंबर दें ना दें, मुझे पता है, ध्यान से करना पड़ेगा। तो मैं आपको बुक की लैंग्वेज बताता हूँ और उसमें एक क्या फीलिंग आएगी आपको सब अब खुद एक्सपीरियंस करना। सपोज करो नए तरीके से न्यूटन का लॉ प्रूव करना है, तो न्यूटन के लॉ को तो यूज नहीं कर सकते, तो सेंट्रीपिटल तो यूज कर सकते हैं, वो तो न्यूटन का लॉ नहीं है। तो अगर एक अर्थ सन के आसपास घूम रही है तो बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है? जी सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है? एम वी स्क्वायर बाय आर, डन। वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल, या निकाल लो वी इज 2 पाई आर बाय, एक चक्कर का टाइम इज टाइम पीरियड टी, इस वी की जगह 2 पाई आर बाय टी का स्क्वायर, इसे ओपन किया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ओपन करके एम और आर, आर से आर कैंसिल, एम आर एक तरफ बाकी कॉन्स्टेंट एक तरफ, क्या आ गया? फोर्स की वैल्यू आ गई, पुट आउट इसमें फोर्स की वैल्यू आ गई, और टी स्क्वायर, अब केपलर का लॉ, केपलर का लॉ क्या बोलता है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, कॉन्स्टेंट क्या आएगा? के। तो एक काम करते हैं, इसको उठा के यहां पुट कर दिया, यहां तक क्लियर है राइट? तो यहां से आर क्यूब आर स्क्वायर बन गया, यहां तक क्लियर है? फोर्स आ रही है क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स ही सेंट्रीपिटल होती है, सबको पता है, और मैंने सॉल्व करना सेंट्रीपिटल से शुरू किया हुआ है, कुछ दिख तो रहा है। फोर्सेस अगर यहां पर जी एम आ जाए, जी एम एम बाय, हाँ बन रहा है, कुछ बन रहा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में के पता नहीं क्या चीज है, पर जो भी होगा वो मास ऑफ सन पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहां पे मास ऑफ सन मिसिंग है,
अर्थ तो है, सन तो है नहीं, तो जो भी ये कांस्टेंट होगा वो मास ऑफ सन पे डिपेंडेंट होगा कैपिटल एम, और कांस्टेंट इसमें लगेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और इसकी जगह जब आप पुट करोगे जी एम तो आंसर आएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर। थोड़ा धक्का फील हुआ यहां पे, हुआ तभी मेरे को पसंद नहीं है कि तुम्हें कैसे पता कि ये कैपिटल एम के ही प्रोपोर्शनल आएगा। वैसे तो मुझे पता है कि फोर्स की वैल्यू मास पे डिपेंडेंट है, अगर तुम्हें इतना ही पता है फिर तो न्यूटन का लॉ आपको पैसे ही पता है, उसने भी तो यही कहा था जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब जैसा भी तीन नंबर के लिए आप स्कूल में लिख देना जैसा भी है। ये स्कूल में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा, इसलिए इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, पर हो जाएगा प्रूफ। और कई स्कूल के टीचरों को बड़ा पसंद है, लेकिन वो पता है कि स्टूडेंट को यही पसंद नहीं, तो तीन नंबर में डाल देते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा जब दिसंबर के एग्जाम से पहले, क्वेश्चन पेपर दूंगा तीन करने के लिए, आपको अपने आप क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके आज की लास्ट शीट ये सबको मिल गई, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके लिए शीट नंबर A53 तो प्लीज प्रिंट आउट ले लें A53 का, ये लास्ट शीट है आज की, और इसके अंदर सारे पेपर भी सॉल्व कर दिए हैं मैंने ऑलमोस्ट, और करंट ट्रेंड्स पता लगेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, और इसको क्लोज करते हैं। राइट, फॉर्मली थ्योरी वाइज ग्रेविटेशन फिनिश। ठीक, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आएगा, इफ स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, फाइंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सी एनर्जी गेन इन? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। अंडरलाइन करो, फाइंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा उसने, जब एक ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ले गए, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट कैपिटल आर। तो पहले वो ऑब्जेक्ट यहां पर था, फिर वो ऑब्जेक्ट यहां पर है, जब वो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो एनर्जी कितनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर विद नेगेटिव साइन, कोई डाउट इसमें? माइनस जी एम एम बाय आर। ओके, जब वो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 2r, तो फाइनल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाय 2r, कोई डाउट इसमें? इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी क्लियर है। आपको क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी एरी इनिशियल एनर्जी एरी, माइनस माइनस प्लस। तो जी एम एम बाई आर एक तरफ, ये वन हो जाएगा और यहां से हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ, वन माइनस हाफ इज हाफ, तो ये वैल्यू आ गई। अगर ऑप्शन आपको किस फॉर्म में गिवन हो, छोटे जी की फॉर्म में, ज्यादातर छोटे जी के फॉर्म में होता है, तो कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, आर से आर, आंसर इज एम जी आर बाई टू। समझ आया यहाँ तक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है? और प्लीज़ ये कैलकुलेशन आपने घर जाके खुद करनी है, आप रजिस्टर में जब नोट करेंगे तो प्लीज़ सारी खुद करके देखनी है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, तो मैंने आपको तीन ऑब्जेक्टिव शीट भी दी थी ग्रेविटेशन की, दो सब्जेक्टिव तीन ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव शीट्स की का जो ट्रिक्स हैं वो इसमें सॉल्व हैं, तो मतलब जो आप करोगे तो बहुत सारी जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं इसमें आज हो जाएंगी, बाकी आपसे हो जाएंगी सॉल्व। तो 50% मैं कर रहा हूँ, 50% आप करना, डाउट्स होंगे वो पूछने आपने, और एम टी जी की बुक जो है जो हमने वो सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट जो मुश्किल ट्रिकी प्रॉब्लम है मैंने लिख के लाया हूँ, जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो आप खुद एक बार ट्राई करना, बुक सबके पास है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, करनी है राइट, ऐसे नहीं चलेगा। अब सपोज करो ये क्वेश्चन पहले करते हैं, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड वाला, नहीं इससे भी रादर ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, पेज नंबर 3 पे, अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूव्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ टिल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी आर बाई टू, तो हाइट बोलो कितनी है। आप ओके, अभी तो पहला क्वेश्चन किया था, सेम ही तो है, उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था एम जी आर बाई टू, हाइट गिवन थी आर, इसमें चेंज गिवन है और
हाइट निकालने, बात तो एक ही है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहां पर जो चेंज इन कौन सी एनर्जी गिवन है इसमें, पोटेंशियल, प्लीज मैंने गलती से लिख दिया, काइनेटिक काट दो यहां पे, हालांकि टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक आता है पर चाहिए नहीं हमें, उसने पोटेंशियल भी पूछा तो यहां ये काट दो। तो यहां ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी एम एम बाई बड़ा आर, और मान लो एच हाइट फाइनल क्या होगी, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, एनर्जी क्लियर है पोटेंशियल की। आपसे चेंज गिवन है एन जी आर बाई टू, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, इनिशियल कितनी है माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये सिंप्लीफाई करके वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एच, छोटे एम से छोटा एम क्या हो गया कैंसल, जी आर बाई टू, कैपिटल जी एम को क्या पुट कर सकते हैं जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, कैपिटल आर इसमें से कॉमन निकल गया तो ये क्या बन गया वन, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया विद कैपिटल आर, तो यहां से जी से जी, आर से आर, आर से आर सब कैंसिल, तो ये टर्म बच गई, यहां से वन इधर आ गया तो ये माइनस हाफ हो गया, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पता ही आंसर क्या आएगा, एच इज इक्वल टू आर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो हम इसे मतलब सॉल्व करोगे तो, लेकिन कैसे करना है ये समझ में आ रहा है, हमेशा आंसर थोड़ा याद होंगे एम जी आर बाई टू के, क्या पता एम जी आर बाई थ्री आ जाए, मेथड क्लियर है। ऊपर चलते हैं इसमें एग्जाम फर्स्ट पेज पे, तो फर्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक रॉकेट है, रॉकेट में इंजन है, उसका फ्यूल बर्न हो रहा है, नॉर्मली हमें पता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फ्री फॉल में फेंकते हैं या मतलब ऐसे ही फेंक देते हैं तो एक्सेलरेशन नहीं होती, इसमें रिटार्डेशन होती है -9.8 और वेलोसिटी कम कम होती हुई टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 और फिर ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। इसमें इंजन लगा हुआ है, इंजन इस तरीके से इसमें एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है कि हमेशा एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 10। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, पर इंजन के अंदर इतनी पावर है कि वो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं कहा, एक्सेलरेशन 10 का मतलब इनिशियली रॉकेट कहां से स्टार्ट हुआ फ्रॉम 0, फिर वेलोसिटी बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, ठीक वैसे ही बढ़ाएगा जैसे अगर आप एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में नीचे गिरते हो, फिर ऊपर रॉकेट जा रहा है। तो एक्सेलरेशन जब तक फ्यूल है तब तक एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट एज्यूम की गई है, कितनी 10 10 10 एंड 10, जी का भी कोई असर नहीं, आपको सर जी चेंज हो गया, हो जाए वो और फ्यूल बर्न कर देगा और एक्सेलरेशन कितनी रखेगा 10, राइट। नहीं वो तब माइनस लेते हैं जब वो खुद फेंका जाता है, इंजन, इंजन का स्पीडोमीटर 0 शो कर रहा है, इंजन रॉकेट ऊपर उड़ा 1 2 3 4 5 6 वेलोसिटी बढ़ रही है, और माइनस 10 तब लेते हैं जब मान लो एक पेन ऊपर जा रहा है, पेन पे मीटर लग गया वेलोसिटी का, वेलोसिटी थी 100 फिर 50 40 30, वेलोसिटी कम होना माइनस, वेलोसिटी बढ़ना प्लस, ऐसे ही लगता कि ऊपर जा रहा है तो माइनस, वेलोसिटी की वैल्यू में अगर कमी आ रही है तो फिर इसका मतलब माइनस एक्सेलरेशन, ये इसका मतलब, ठीक ठीक है ना। रिजल्टेंट का मतलब उसकी अपनी एक्सेलरेशन जितनी भी होगी ग्रेविटी को मिला के नेट 10 आती है, हाँ वो कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है जब तक फ्यूल है, पर वो कह रहे हैं कि एक मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो गया, रॉकेट अगेंस्ट ग्रेविटी के चक्कर में पड़ गया, अब जितनी भी वेलोसिटी थी एक मिनट के बाद अब वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, अब वेलोसिटी कम 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 और टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 और फिर रॉकेट नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो एक मिनट तक तो काइनेमेटिक्स लग सकता है, ग्रेविटेशन के चैप्टर में काइनेमेटिक्स लगाते नहीं थे हम, मना किया था, क्यों मना किया था, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है चेंज, पर उसने कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अगर कॉन्स्टेंट है फिर तो लगा ही सकता हूं, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रॉकेट के लिए लगाऊं और इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या है 0, एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड 60 पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 18,000 मीटर का मतलब 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक रॉकेट ऊपर उड़ा 18 किलोमीटर तक जब उसमें फ्यूल था, और जब फ्यूल था एक मिनट लगा उसे फ्यूल खत्म करने में, तो वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर कितनी थी रॉकेट की, यू कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0 प्लस ए की जगह 10, टाइम की जगह 60, 600,
एक मिनट के बाद वो 18 किलोमीटर उड़ चुका, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी 600, कोई डाउट? अब फ्यूल हो गया खत्म, अब नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो फ्यूल अगर खत्म हो गया तो 18 किलोमीटर पे फ्यूल खत्म हुआ, पॉइंट नंबर वन। फिर ऊपर और यहां वेलोसिटी कितनी है 600, लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां वेलोसिटी कितनी है 600। फिर वेलोसिटी कम 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 जीरो जीरो। अब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा तो है -9.8, लिखना नहीं चाहिए क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्या पता कम हो जाए, इसको चेक कट कर दो, ये नहीं चाहिए। ये एक्चुअली इसलिए लिखा था मैंने, ये शो करने के लिए कि रॉकेट का फ्यूल तो हो गया खत्म, अब वो ग्रेविटी का उस पर पूरा असर है, अब वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, अब वहां एक्सेलरेशन नहीं होगी, वहां पर रिटार्डेशन। ये लिख दो, एक्सेलरेशन नेगेटिव लिख दो बस, इस पोर्शन में एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? और जब तक फ्यूल है, जब तक रॉकेट उड़ रहा है, तब तक आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि रॉकेट की अपनी एनर्जी भी तो काउंट हो रही है। लेकिन अब यहां से यहां तक रॉकेट ग्रेविटी उसमें जा रहा है, ग्रेविटी के असर में, और ग्रेविटी की फोर्स तो कंजर्वेटिव है, इसलिए यहां और यहां क्या लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या लिखा हुआ है, 1 पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम, और 2 पॉइंट पर लिख लेना पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, कंप्लीट कर लो इसे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इन 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं निकाल सकते सेकंड में, आप क्या चाहते हो, या काइनेमेटिक्स लग जाए, ऐसे हाफ एटी स्क्वायर लग जाए, मुझे क्या पता वो 20 किलोमीटर ऊपर उड़ जाए, क्या पता कितना उड़े, और उतने में जी चेंज हो गया, फिर पहले तो इंजन था जो जी को चेंज, ए को चेंज नहीं होने दे रहा, उसमें लग सकता है, पर अब ग्रेविटी के चक्कर में आ गए, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो फिर थोड़ा लगेगा, और ग्रेविटेशन के चैप्टर में नॉर्मली काइनेमेटिक्स अवॉइड करना है, वो तो चलो रॉकेट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो लगा दिया, नहीं तो कभी भी नहीं लगाना। काइनेमेटिक्स की बजाय क्या लगाना है, एनर्जी का, वो सबसे बेस्ट है, एनर्जी लगाओगे क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर। तो इस केस में 1 और 2 पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो 1 पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, 2 पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यहां और यहां विल रिमेन सेम। ठीक, तो पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 1 पॉइंट पर, हाइट कितनी है h, डिस्टेंस कितना है r, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, -gmm/r+h, कोई डाउट? पोटेंशियल इज -gmm/r+h, और यहां पर काइनेटिक कितनी है, 1/2 m 600 का, क्यों? क्योंकि यहां पर 600 की वेलोसिटी तो एक्वायर कर ही चुका था ना जब खत्म हुआ, तो यहां पर पोटेंशियल के लिए -gmm/r+h, और काइनेटिक कितना, 1/2 m 600 square। फिर यहां पर आ जाते हैं, यहां पर पोटेंशियल कितनी, देखो अब वो और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है, h डैश, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, r h h डैश, तो पोटेंशियल कितनी, -gmm/r h h डैश, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो। क्या स्टेप क्लियर है, समझाया एनर्जी कंजर्वेशन? तो इसके अंदर छोटा m कैंसल, तो इसके अंदर कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, करेक्शन करो, जी आर लिख दिया, यहां पे लिखो स्मॉल जी आर स्क्वायर होता है, तो कैपिटल जी एम कैन बी रिटन एज स्मॉल जी आर स्क्वायर, 600 square by 2, और यहां पर कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल आर गिवन है 6400 किलोमीटर, हाइट हम एच निकाल चुके हैं, स्मॉल जी 9.8 है, सारा कुछ पता है, क्या नहीं पता, एच डैश, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो रॉकेट ने कवर किया वो निकालना है एच डैश। ठीक समझ आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज्यादा है, वैसे ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ना एक बार प्लीज खुद से।
A body is projected upward with a velocity of 3/4 of its escape velocity from surface of earth. क्या निकालना है? हाइट का वर्ड. मैंने क्या बताया? जब आप बॉडी को ऐसे ऊपर फेंक देते हो, मत लगाओ काइनेटिक्स, क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन. सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक्स, पोटेंशियल एंड काइनेटिक्स सेम. सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल बोलो माइनस जी एम एम बाई आर, काइनेटिक बोलो हाफ एम 3/4 इंटू एस्केप वेलोसिटी. उसने कहा कितनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया? 3/4 ऑफ एस्केप. कोई डाउट? और पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर कितनी? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच. और काइनेटिक कितनी टॉप मोस्ट पॉइंट पर? जीरो. समझ आ रहा है यहां तक? एनर्जी कंजर्वेशन क्लियर है? वैल्यू पुट कर लेते हैं इसको ऐसे ही, हाफ एम को ऐसे ही 3/4 का स्क्वायर, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी किया अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर का स्क्वायर, और ये ऐसे. फिर अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल. नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे ही हाफ एम 9 और 16 अंडर रूट हट गया तो ये आ गया कैपिटल जी एम, नहीं जी एम एम, जी एम एम और जी एम एम क्या हो गया? कैंसल. राइट, सिंप्लीफाई किया तो जी एम एम क्या हो गया? कैंसल. और सॉल्व करके क्या आएगा? एच इज इक्वल टू 9/7 आर. ये आपने जब सॉल्व करना है घर पे, इसे खुद से पूरा सॉल्व करना है, देख के नहीं लिखना है ऐसे कि एक्सप्लेनेशन है, खुद पूरी एनर्जी को सॉल्व करना है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के 5-7 क्वेश्चन आने हैं. प्रैक्टिस नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी, तो ओपन करना आना चाहिए सारा. राइट, समझ में आ रहा है यहां पर? नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया. रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय, ये बहुत बार आता है, इतने परसेंट श्रिंक हो गया, परसेंटेज बताओ, हर में आता है, कराया था. इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, परसेंटेज चेंज इन जी. तो जी का फॉर्मूला लिखें, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी बाई जी और -2 डेल्टा R/R, ऐसे करते थे ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, एरर्स के अंदर किया था ऐसा रूल, तो डेल्टा आर बाय आर इनटू 100 कितना गिवन है? परसेंटेज चेंज इन रेडियस कितना? परसेंट. और इसको कैसे रीड करेंगे? चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल जी, यानी कि दिस इज परसेंटेज चेंज इन जी, जो कि क्या आएगा? -4%. माइनस साइन ये शो कर रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज हो गए. क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? प्रोजेक्टाइल अटेन्स एस्केप वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल एस्केप वेलोसिटी अटेन करती है व्हेन बोथ एनर्जीज आर इक्वल. बोथ का मतलब पोटेंशियल एंड काइनेटिक. प्रूव करो. ये एक्चुअल में आपकी ऑब्जेक्टिव शीट का क्वेश्चन है, उसमें कई ऑप्शन थे कि व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सम एस्केप वेलोसिटी, बताओ उसकी पोटेंशियल काइनेटिक के इक्वल है, पोटेंशियल ग्रेटर देन काइनेटिक है, काइनेटिक ग्रेटर देन पोटेंशियल है, 2 times है, और पता नहीं क्या ऑप्शन थी. तो मैंने 4 ऑप्शन तो लिखी नहीं, मैंने प्रूव करने को बोल दिया. तो जब आप एक प्रोजेक्टाइल को एस्केप से प्रोजेक्ट करते हो, वीई एस्केप का फॉर्मूला 2g(m/r), वेर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देते हो? इतनी, हाफ एम एस्केप का स्क्वायर. ओपन करोगे तो क्या आएगा? इतना. ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, चेक करो. तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? जब आपने वेलोसिटी एस्केप दी, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक का मैग्नीट्यूड एकदम सेम हो गया. प्रूफ समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक. रॉकेट इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 2 times √g/r. ठीक है, रॉकेट को फायर किया नियर अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ के पास हमने इतनी वेलोसिटी से उसे लॉन्च किया, वो ऊपर जाता है, जाए जा रहा है, और कहां तक चला गया? इंटर स्टीलर स्पेस, पता नहीं स्टार स्टूल के पता नहीं कहां चला गया यूनिवर्स में. तो इंटर स्टीलर स्पेस का मतलब डिस्टेंस क्या लिया जाएगा? इंफिनिटी, याद रखना है. तो जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है रॉकेट की? हाफ एम वी स्क्वायर. और पोटेंशियल कितनी है? माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर क्यों? अभी वो कहां पर है? ऑन दी राइट काइनेटिक पोटेंशियल. जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, तो इन्फिनिटी पे आर क्या हो गया? इन्फिनिटी. तो पोटेंशियल क्या हो जाती है? क्योंकि डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होगा तो फ्रैक्शन जीरो, लेकिन काइनेटिक तो होगी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, कुछ भी वेलोसिटी वी डैश हो गई. राइट, तो यानी कि इन्फिनिटी पे और सरफेस ऑफ अर्थ पे टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक को इक्वेट कर दिया.
ठीक है यहां तक। तो यहां से कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, आर से आर क्या हो गया कैंसल, एम 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 भी कैंसल, तो यहां पे क्या बचा वी स्क्वायर बाय टू, ये बचा माइनस जी आर, ये बचा वी डैश स्क्वायर बाय टू। तो मुझे वी डैश निकालना है इंटरस्टीलर स्पेस में, वी डैश निकालना है, तो वी डैश स्क्वायर की वैल्यू एलसीएम लो, इसके इक्वल आ गई, वी डैश आ गया। और मुझे वी एक स्टेप मिस कर गया मैं, वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी आर, यहां पुट कर लेना आंसर आ जाएगा वी डैश का। पॉइंट समझ में आ रहा है, एक स्टेप रह गया वो वी को, वी क्वेश्चन में गिवन है ना, पॉइंट्स मतलब ये चीज नोट कर रहे हो, काफी क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं, सबसे बढ़िया टेक्निक है ये, राइट। इफ रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज कैपिटल आर, ठीक है कैपिटल आर रेडियस है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज टी, तो अर्थ सन के आसपास कितनी देर में एक चक्कर काटती है टी, और कितने रेडियस में कैपिटल आर। एक ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, छोटा आर देना चाहिए था क्योंकि कैपिटल आर हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं अर्थ का रेडियस, वो जान के कैपिटल आर दे रहा है ताकि लोग कंफ्यूज होकर खुद अर्थ का रेडियस मान के कुछ गलती कर दें। तो समझ में आ रहा है कैपिटल आर इसमें स्मॉलर वाला काम कर रहा है। तो क्या निकालना है मास ऑफ सन, तो मुझे ये पता है अगर अर्थ घूम रही है और टाइम पीरियड इन्वॉल्व है तो सेंट्रीपेटल कौन प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ की जी एम एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, या तो लिख लो एम वी स्क्वायर बाय आर या लिख लो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात होती है। जिन क्वेश्चन में टी के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है कैपिटल टी उनमें तो लिख लो एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिनमें चाहिए होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी वी उनमें लिख लो एम वी स्क्वायर बाय आर, या ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है तो एम वी स्क्वायर बाय आर, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर टी गिवन है तो मैंने यहां पर क्या पुट कर लिया कौन घूम रही है अर्थ, तो अर्थ को सेंट्रीपिटल मिली मास ऑफ अर्थ आर ओमेगा स्क्वायर, और ये कट गया, मास ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी स्क्वायरिंग 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। क्या निकालना है मास ऑफ सन, मास ऑफ सन एक तरफ बाकी टर्म्स एक, आंसर मास ऑफ सन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक इजी है।
देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2018 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम देखेंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब हो, आर की पावर 4 हो जाए, जैसे जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर नहीं, जी एम वन एम टू बाई आर क्यूब, जी एम वन एम टू बाई आर 4, कुछ भी इन जनरल से लिख दिया जी एम वन एम टू बाई आर रेज़ टू पावर एन, तो बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, वो सारे रिजल्ट जो आज हमने किए वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। जहां जहां जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर यूज हो रहा है वहां सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर निकालनी है, मान लो अर्थ घूम रही है सन के आसपास, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में जी एम एम बाई आर स्क्वायर नहीं, जी एम एम बाई आर रेज टू पावर एम। क्या स्टेप समझ में आया यहां तक? जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा एज इट इज वैसे ही पुट करना है। अगर आर क्यूब होगा तो आर क्यूब, आर की पावर 4 है तो आर की पावर 4, आर की पावर एन है तो आर की पावर एन। और ये क्या प्रोवाइड करेगी अर्थ को, छोटे एम को, सेंट्रिपेटल फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसिल। मेडिकल के लोग देखो प्लीज, वी निकालना है, आर यहां जाएगा, आर जब नीचे आएगा पावर एन पावर फैक्ट हो जाती है डिवीजन में, और स्क्वायर है तो क्या आएगा अंडर रूट, राइट। तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर एन माइनस वन का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब हाफ, ये ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि कैसे किया? फिर से जी मैम, ये पहला स्टेप समझ में आ गया, यहां से सिंप्लीफिकेशन है, कॉपी लो एक मिनट, V निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M R बाय R इज टू पावर N। फर्स्ट स्टेप के बाद V स्क्वायर इज इक्वल टू G M R इज टू पावर N माइनस वन, पावर सब्ट्रैक्ट होगी इसकी, वन एस की एन है, राइट। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G M, अब ठीक है, ठीक ओके। अब सेम चीज किसमें निकालनी है, टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड का फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है तो एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल में टी निकालना है तो एम वी स्क्वायर बाई आर की जगह एम आर, ताकि एम सी एम कैंसल और ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी, तो ऐसे इक्वेट कर लिया। अब यहां पर आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, आर इज टू पावर एन इन टू आर, आर इज टू पावर एन प्लस वन, समझ आ गया। और इसको स्क्वायरिंग 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, और हमें टी जो निकालना है वो अंडर रूट लेना पड़ेगा, जब अंडर रूट जाएगा तो हाफ हो जाएगा राइट साइड पे, तो ये क्या आएगा आर रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 आंसर। और यही 2018 का क्वेश्चन है मेंस का, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, आर रेज टू पावर एन प्लस वन बाय 2। बढ़िया आसान क्वेश्चन है, ठीक है यादव।
नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज ए टाइम्स दैट ऑफ बी. तो टाइम एक चक्कर, एक प्लैनेट अगर मान लो टी ए टाइम में काटता है और दूसरा टीवी में काटता है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए इज ए टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ बी. डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन, दूरी ए प्लैनेट की मान लो आर ए और बी प्लैनेट की आर बी, कह रहे आर ए की दूरी आर बी से कितनी ज्यादा है बताओ, रेशियो बताओ. तो जब भी टाइम पीरियड रेडियस का रिलेशन आएगा तो केपलर का थर्ड लॉ आज किया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो फर्स्ट प्लैनेट के लिए टी ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर ए क्यूब, टी बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर बी क्यूब. यानी डिवाइड करेंगे दो इक्वेशन को तो कॉन्स्टेंट कटेगा. इक्वेशन समझ में आ गई, केपलर का थर्ड लॉ. आपको क्वेश्चन में टी ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए टाइम्स टी बी. तो ये एट का स्क्वायर 64 हो गया, टी बी से टी बी क्या हो गया कैंसल. आर ए क्यूब और आर बी क्यूब की वैल्यू इसके इक्वल है और क्यूब रूट ले जो भी लेंगे आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स. सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, हो जाएगा सॉल्व. मतलब पहचान टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में केपलर का थर्ड लॉ. इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि अ सैटेलाइट विद काइनेटिक एनर्जी ई, उसने ये नहीं कहा पोटेंशियल, उसने क्या कहा काइनेटिक इज ई, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, मिनिमम एडिशन काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इन द आउटर स्पेस. आउटर स्पेस का मतलब एस्केप करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. अच्छा एक काम करते हैं, अब सैटेलाइट की इस टाइम अगर वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो कौन सी वेलोसिटी है ऑर्बिटल. ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी एम बाय, एक्चुअली बड़ा आर छोटा आर भी गलत नहीं है पर हमें एस्केप वेलोसिटीज कैपिटल आर के साथ आती हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड अर्थ का रेडियस लेते हैं. तो मुझे लगता है कि आप यहाँ कैपिटल आर ही ले लें, हर जगह कैपिटल आर कर दें प्लीज, क्योंकि नॉर्मली मैं छोटा आर तब लेता हूँ जब हम सर्फेस ऑफ अर्थ पे नहीं होते, पर क्योंकि ऑर्बिटल के फॉर्मूला आप ये यूज कर रहे हो, देखो ये वाला, ये नॉर्मली तब यूज होता है जब आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होते हो, तो कैपिटल आर कर लो. अरे गलत नहीं है ये, सेंटर से छोटा डिस्टेंस भी सेम आंसर आता है. मतलब वेयर, अगर मुझे लिखवाना पड़ेगा वेयर स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच, तो छोटा आर हो जाएगा, क्या जरूरत पड़ी है इसको कैपिटल आर ले लेते हैं. ठीक, हालांकि इतना एप्लीकेशन है नहीं, छोटे आर यूज भी नहीं हो रहा, बट बताना चाहता हूं कि मेरी कन्वेंशन ये है कि कैपिटल आर का मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, छोटा आर का मतलब अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, राइट. तो ऑर्बिटल जी एम बाई कैपिटल आर, काइनेटिक एनर्जी अभी सेटेलाइट के पास है कितनी, हाफ एम ऑर्बिटल का स्क्वायर पुट किया ये आ गई. लेकिन ये एनर्जी क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, ई. ई तो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने प्रेजेंट ऑर्बिटल एनर्जी निकाल ली जो कि क्या गिवन है ई. ई समझ में आया किसके इक्वल है. अब मैं क्या चाहता हूं उसे क्या करवाना, एस्केप. एस्केप करवाने के लिए वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, एस्केप जितनी. काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, हाफ एम एस्केप का. सॉल्व करोगे तो ये ई का मतलब ये है, टू जब राइट साइड पे जाएगा तो जी एम एम बाई आर क्या हो जाएगा, टू ई. इसकी इसको देखते हुए क्या लिख सकते हो, टू ई. समझ आया कैसे, क्योंकि जी एम एम बाई टू आर ई है, जी एम एम बाई आर क्या हो जाएगा, टू ई. टू इधर चला गया, इसकी जगह टू ई. तो अभी लाइट के पास ई एनर्जी है, एस्केप करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है, टू ई. तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, टू ई में से ई को क्या करना है, माइनस ई. पॉइंट समझ में आ रहा है. तो कोई भी स्टूडेंट एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी का डिफरेंस ना निकाले प्लीज, एनर्जी का क्वेश्चन है, एनर्जी से ही सॉल्व करें. ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन को जाते हुए देखेंगे दो मिनट. ये मेंस का 2018 का पहला क्वेश्चन, देखते हैं 2018 का पहला क्वेश्चन ग्रेविटेशन का. पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, करना प्लीज रेडियस स्मॉल आर. पार्टिकल वैसे ए भी सही है, ए लिख भी देगा तो कोई फर्क नहीं, इसका यूज ही नहीं एक्चुअल में. ए लिख देगा तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, चेंज करने की जरूरत भी नहीं है. अंडर द एक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, इट्स टोटल एनर्जी बताओ. मैंने एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. पोटेंशियल तो मुझे गिवन है, मुझे सिर्फ क्या निकालनी है, काइनेटिक. जो काइनेटिक एनर्जी आएगी
वो इसमें ऐड कर दी जाएगी तो क्या जाएगी, टोटल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोल दो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपको क्या चाहिए, एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर निकालने का बेस्ट तरीका एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपेटल, वो चाहिए ना। और सेंट्रीपेटल फोर्स निकालने के लिए पहले ग्रेविटी की फोर्स चाहिए, तो एक काम करते हैं, हमें यू गिवन है और ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है। वर्क पर एनर्जी के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं और एनर्जी से फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। देखो कहां उसने लिंक किया, उसने न्यूटन का लॉ तो बोला ही नहीं लगाओ, उसने कहा अपनी फोर्स निकालो पहले, तो एनर्जी लेके पहले फोर्स आई, यू को मैंने यहां पुट किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, के और टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, डी बाई डी आर ऑफ आर इज टू पावर माइनस टू, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस टू, आर इज टू पावर माइनस थ्री, तो माइनस बाहर आ गया, टू से टू कैंसल, आर की पावर माइनस थ्री नीचे गई तो आर की पावर राइट, तो ये आपके पास फोर्स आ गई राइट। अब ये फोर्स, ये ग्रेविटी की फोर्स ऑब्वियसली, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ना वो, कह रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्स क्या होगी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी। और ऐसी फोर्सेस ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं नेगेटिव साइन के साथ होती हैं। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, फोर्सेस अट्रैक्टिव, पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव होता है और नेगेटिव का मतलब नॉर्मली अट्रैक्टिव होता है। चलो हमें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये जो फोर्स है ये पार्टिकल को किसमें घुमा रही है, इन अ सर्कल। तो बाकी आपको पता ही है कि फोर्स जो भी आई सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, वो गलत, हाँ हाँ क्वेश्चन में एक ही जगह आर करना पड़ेगा, रेडियस कितना है आर, आर से आर क्या हो गया कैंसल, किसकी वैल्यू आ गई एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर में एम वी स्क्वायर को पुट करें काइनेटिक आ गई, टोटल एनर्जी क्या होगी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल गिवन है काइनेटिक निकाल ली ऐड करोगे तो जीरो, आंसर इज जीरो। लो हाई या मीडियम लेवल का क्वेश्चन, कितने लोग बोलते हैं लो है, अच्छा कितने लोग बोलते हैं मीडियम है, कितने बोलते हैं बहुत मुश्किल है हाई है, अच्छा मीडियम लेवल ओके ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा, कर लेंगे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर टू 2018 में सेकंड सेट में आया, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल आर सच दैट सेंट्रल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करना प्लीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ डिस्टेंस आर, टाइम पीरियड निकाल लो, मेरे ख्याल से अभी अभी किया जीरो, अभी कम जीरो, ये प्रूव करना भी किया था ना, ठीक, तो पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो देखो कितनी अच्छी किस्मत है उन स्टूडेंट्स की जो जिनके सेट में ये क्वेश्चन आया सही हो गया। बट अगेन मैं फिर कहूंगा एक सेट में हमेशा लेवल डिसाइड होते हैं, ग्रेविटेशन का अगर किसी का आसान आ रहा है तो पक्का रोटेशन या किसी और चीज का मुश्किल ही बनेगा, किसी एक, देखो 10 क्वेश्चन लो प्रायोरिटी के बनने वाले हैं, लो लेवल है ठीक, नॉर्मल ऐसे दिखेंगे एक एक लाइन के, 10 एवरेज में आएंगे और 10 मुश्किल में आने हैं, पक्की बात है, 10 आसान करने ही करने हैं, 10 एवरेज में से 7-8 जितने भी हैं और टफ, इतने भी टफ नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, एक स्टेप और एक्स्ट्रा होता है 2-3, मतलब 20 प्लस का अटेम्प्ट का टारगेट हमारा नॉर्मल रहता है ठीक।
देखो नेक्स्ट है अ बॉडी, इसी साल का पेपर है 2018 का, गेंती से सेट में, अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, और एक प्लैनेट के आसपास घूम रही है ये बॉडी, प्लैनेट का मास है बड़ा m, बॉडी का मास है छोटा m, एट सम इंस्टेंट इट स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल मासेस। अब यहां थोड़ा सा एक स्टूडेंट को लगता है अच्छा ये तो ब्रेक भी कर रहा है, नया क्वेश्चन है, पर ये याद आता है कि जब कोई चीज ब्रेक होती है तो मोमेंटम कंजर्वेशन, अभी तक ये माइंड में आ रहा है, फर्स्ट मूव्स इन अ रेडियस ऑफ r बाय 2 एंड अदर मूव्स इन अ रेडियस ऑफ 3 r बाय 2। अब ये लग रहा है कि नहीं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर नहीं रहा, अगर ऐसा करता तो वेलोसिटी की बात जरूर करता, तो वो तो नहीं लग रहा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फाइंड डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल टोटल एनर्जी। चलो मतलब हमें कोई कंजर्वेशन नहीं कोई वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी याद है। तो इनिशियली जब वो नहीं टूटा था तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में टोटल एनर्जी ये थी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। जब वो टूट गया छोटा एम दो हिस्सों में तो फाइनल एनर्जी, पहले टुकड़े एम बाय टू, दूसरा टुकड़ा एम बाय टू, पहला रेडियस में आर नहीं आर बाय टू और दूसरा कितने रेडियस में थ्री, टोटल एनर्जी आ गई। क्लियर है, पहले एम है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ये टू आर आज किया। अब तोड़ दिया तो एक का रेडियस आर बाय टू, एक का थ्री आर बाय टू, इन्हें ऐड करेंगे घर जाके सिंप्लीफाई करना तो ये आंसर आएगा, इनिशियल टोटल एनर्जी आ गई, फाइनल टोटल एनर्जी आ गई, फिर उसने क्या कहा मुझे क्या चाहिए इनका डिफरेंस आंसर। कितने लोग इसको मानते हैं कि एवरेज है, इजी है, मुश्किल तो नहीं है कम से कम, ठीक है मतलब किया जा सकता है, ठीक ओके। 2018 का एक और सेट था, उसमें एक और क्वेश्चन आया। अब जब नंबर ऑफ लाइनें 7-8 हो जाए ना, साइकोलॉजिकली बंदे को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि अच्छा अब यार दिमाग ज्यादा घिर जाएगा इसमें, तो पक्की बात है टाइम लगेगा इसमें। हाँ सही है, ऐसे ही सबके साथ होता है, दो लाइनें अच्छे लगते हैं यार ठीक है हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या है, करना तो है ही, देखो आगे। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल था, बट अब जैसा भी था हम पढ़ लेते हैं, आप खुद ही डिसाइड करना। टेक मीन डिस्टेंस ऑफ मून एंड सन फ्रॉम अर्थ, लिख लेना प्लीज, टेक मीन डिस्टेंस ऑफ मून एंड सन फ्रॉम अर्थ। तो मून का डिस्टेंस अर्थ से गिवन है, सन का डिस्टेंस अर्थ से गिवन है, दो डिस्टेंस गिवन है और दोनों डिस्टेंस मून का और सन का अर्थ से गिवन है। मान लो मैं अर्थ हूं, ये मून है और ये सन है, मेरी और इसकी दूरी, इसकी और मेरी दूरी भी गिवन है, आर रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है, डेल्टा एफ वन। अब ये डेल्टा जहां आता है ना, डेल्टा एफ वन यानी कि दो चीजों का चेंज है, डिफरेंस ऑफ फोर्स है एग्जर्टेड बाय मून एट नियरेस्ट एंड फार्देस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। तो अगर मैं अर्थ हूं, ये अर्थ है, तो नियरेस्ट, नॉर्मली हम डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, वो कह रहे हैं इसका पास का डिस्टेंस कोई पॉइंट है तो सन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और अर्थ के दूरी वाला एक पॉइंट है सन, उस पर भी अलग फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स थोड़ी कम लगाएगा, और दो पॉइंट्स में डिस्टेंस कितना है, डायमीटर जितना, डायमीटर कितना है 2r, राइट। तो सन अर्थ के यहां भी फोर्स लगा रहा है, सन अर्थ के यहां भी फोर्स, जबकि ऐसे क्वेश्चन हम करते नहीं है इस टाइप से, हम सेंटर से करते हैं, राइट। इसने कहा दो फोर्सेस लगेंगी, दोनों को जब माइनस किया डेल्टा एफ वन आ गया। तो इसका एक लंबा तरीका यह है कि पहले आप जो भी r डिस्टेंस लोगे, फिर आप 2r डिस्टेंस बढ़ा दोगे, पीछे का डिस्टेंस आएगा, f1 f2 आएगा या f1 f1 डैश आएगा, उनको माइनस करेंगे तो डेल्टा f1 आएगा। लंबा है, दो बार करना पड़ा, फिर दो बार भी क्यों, आगे देखो, डेल्टा f2 डिस्टेंस ऑफ फोर्सेस एग्जर्टेड बाय सन, ये रादर मून था और ये अब सन भी है, दो पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उनका डिस्टेंस कितना है डेल्टा f2 नहीं आएगा, हो जाओ दो मिनट के लिए प्लीज, ठीक। ये मेडिकल फॉर्म आया हुआ है तो मैं आपको यही कह नहीं सकता कि आएगा नहीं, इसमें लेके आया हूँ सॉल्व करके, राइट। नहीं तो मेरे पास डाउट आते हैं ना, एमटी में डाउट पूछोगे फिर कैसे किया, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं, इसको हौसले छोड़ना पड़ जाए हमें, बट सीखना तो चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पास और दूसरा पॉइंट है बस। अब अगर इनकी रेशियो निकालो,
देखो कायदे से चार, ये तो चार क्वेश्चनों के बराबर ही हो गया, क्योंकि पहले मून लगाएगा अर्थ के आगे पीछे, फिर सन लगाएगा आगे पीछे, चार फोर्सेस आएंगी, उनका डिफरेंस आएगा, फिर रेशियो आएगा। मैं तो कहता हूँ चार क्यों, पांच क्वेश्चन के बराबर है, थोड़ा लंबा है मुझे ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पर, देखो मेथड देख लो, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, देखना तो बनता ही है। किसी भी इंस्टेंट पर आगे देखो, आगे देखो अभिनव, देखो इसमें समझ में आ रहा है, लेक्चर लगा है। तो फोर्स की वैल्यू अर्थ और मून के बीच में किसी भी इंस्टेंट पर, जब उसकी दूरी कोई भी इंस्टेंट पर आर वन है, इतनी होती है। ऐसे ही अर्थ और सन के बीच में किसी भी इंस्टेंट पर इतनी होती है। कौन करेगा दो बार क्वेश्चन, हम एक काम करते हैं, हम इसको ना डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी एफ एन बाई डी आर वन। तो एफ वन को जब यहां पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास ना ये टर्म आ जाएगी डिफ्रेंशिएट करके, राइट। तो मतलब आर की पावर आर वन की डिफरेंशिएशन आर क्यू की फॉर्म में ही आ जाएगा, राइट। दो मिनट घर जाके समझ लेना स्टेप्स। तो मान लो ये डिफरेंशिएशन आ गई, और ये स्मॉल चेंज इन एफ है, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस से, तो इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि टोटल चेंज के लिए डेल्टा एफ वन डेल्टा आर वन, डेल्टा आर वन राइट चला गया। ऐसे ये अभी किसके किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में, और ऐसी अर्थ और सन के बीच में डेल्टा आर टू। हमें क्या निकालना है, इनकी रेशियो। ये मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया, रेशियो आ गई, और डेल्टा आर वन का मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, जो कि क्या था, अर्थ का डायमीटर, चाहे वो सन के साथ हो चाहे वो मून के साथ हो, डायमीटर पुट करोगे आंसर आएगा। अब ये बताओ इजी, मीडियम, मुश्किल, कोई बात नहीं। फिर देखो एक और क्वेश्चन 2017 का, आगे देखो, फिर से देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आया, इफ ओमेगा इंक्रीजेस, अगर ये दोनों के लिए है प्लीज, हर के लिए, ओमेगा बढ़ रहा है, अर्थ की रोटेशन तेज हो गई, हाउ विल इट अफेक्ट जी ड्यू टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में पोल्स और इक्वेटर पे पता है कि जी, पोल्स के ऊपर जी रहती है वैल्यू, और इक्वेटर पे कॉस ऑफ जीरो इतनी हो जाती है, पोल्स के अंदर में ओमेगा आता ही नहीं, तेज और स्लो इट विल नॉट चेंज, और इक्वेटर में अगर ओमेगा बढ़ेगा तो जी कम होगा, आंसर डिक्रीज। अब कितने लोग बोलते हैं इजी, भगवान करे ऐसा ही आए अपने सेट में भी, ठीक है यहां तक, ये तो सच में इजी है, मजा मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन देख के। तो फिर एक क्वेश्चन आया अगेन 2017 में, देखो मिलते जुल, अगर दो पेपर का एनालिसिस करोगे ना, आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि क्या लेवल चल रहा है। फिर देखो एक बार, दो पार्टिकल जिसका मास सेम है सर्कल में मूव कर रहे हैं, और कितनी फोर्स से मूव कर रहे हैं, इतनी फोर्स, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल एक्ट करेगी ना, ठीक है। न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं थी, उसने कहा ये जो फोर्स है ये उसे सर्कल में घुमा रहा है, तो अगर जो फोर्स सर्कल में घुमाती है वही सेंट्रीपिटल होती है। तो फर्स्ट पार्टिकल डिस्टेंस आर वन पे है, सेकेंड 4 पे है, मतलब 1 पे है, ये 4 पे है। काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, mv square चाहिए, mv square सेंट्रीपिटल में आता है, ऐसा क्वेश्चन 2018 में भी आया था, पहला क्वेश्चन जो कराया था, तो ये समझ में आ रहा होगा कि फोर्स में से अगर माइनस कॉमन निकाला जाए तो ये जो फोर्स है माइनस साइन तो अट्रैक्टिव शो कर रही है, बचा हुआ जो मैग्नीट्यूड है वही एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल। थोड़ी पहले किया था, माइनस साइन आ गया,
तो मैग्नीट ऐसे बोलो, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, इतना आएगा। तो ये फोर्स क्या एक्ट करेगी, सेंटीमीटर। इसका जेई में इसका पहला क्वेश्चन ऐसा ही था ना, वो यू के साथ एफ निकालता था, सेम ही तो है। इसमें सीधा एक स्टेप और आसान है, एफ दे दिया। जिसने पेपर बनाया इसका मतलब पुराना पेपर देखा, कान एनर्जी पे क्वेश्चन आ रहा है, उसमें सीधा एफ दे दिया इसने 2018 में, यू से एफ निकालने को कह दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड किया, बाकी सेम है। यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, एम वी स्क्वायर, पर हमने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 पे काइनेटिक एनर्जी के 1 है, 1 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, इजी, मीडियम मीडियम लगा, तो दो क्वेश्चन कर दिया, तीसरी बार आपकी आपके सेट में आएगा तो वो इजी बन जाना चाहिए, मीडियम से नीचे आएगा वो, प्रैक्टिस हो गई ना आपको, आप तो चाहोगे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप एक दो, ठीक है ना, राइट। और ये देखो एक और क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, ग्राफ प्लॉट करो जी का और आर का, अगर सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आप दूर जा रहे हो तो जी कैसे चेंज होता है, या जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ई का फॉर्मूला क्या होता था, ई का रिजल्ट आपने टेस्ट दे तो दिया, ई का क्या होता था सॉलिड स्फीयर में, लीनियर, अर्थ के अंदर लीनियर, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर कितनी बार नीट में, कितनी बार मेंस में क्वेश्चन आया, ये बोला था मैंने आपको, इजी इजी से भी नीचे, बहुत इजी यार, अब इससे नीचे ना गिरो यार, 2 × 2 = 4 का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, वो टेबल बता दो 2 × 2 क्या होते हैं यार। लास्ट ईयर एक और क्वेश्चन आया, इफ अर्थ हैज नो रोटेशनल मोशन तो बंदे का वेट है W, फाइंड ओमेगा, अर्थ का ओमेगा निकालो, जब उस पर्सन का वेट 3W/4 हो जाता है इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर पे जी क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, इक्वेटर पे जी आ गया। मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास से दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड्स को मास से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, m into g m टाइम्स, राइट, इनटू जी का मतलब इक्वेटर के ऊपर वेट, जो कि कितना गिवन है 3W/4, एक्चुअल वेट कितने है W माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो 3W/4 W, मास को लिख सकते हैं W/g, क्योंकि वेट क्या होता है mg, मास क्या होगा W/g, ठीक है ना, वेट क्या होता है mg होता है ना, तो W/g, W कैंसल, 3/4 और 1 एक तरफ, 1/4, ओमेगा निकालना है, ये रहा, जी पता है आर पता है, आंसर। कितने लोग बोलते हैं इजी, ये भी इजी है यार, इक्वेटर के ऊपर पोल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और क्या चाहिए आपको, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। और लास्ट क्वेश्चन, सपोज छोटा एम और बड़ा एम दो मासेज हैं, इनिशियली दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड एट रेस्ट, किसी इंस्टेंट पर आते आते और ग्रेविटेशनल पुल उन्हें पकड़ के रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल पुल उन्हें पास लेके आ रही है और किसी इंस्टेंट पर डिस्टेंस डी हो जाए, तो आपको यह बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, मतलब अगर इसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर छोटा वी है और इसकी कैपिटल वी है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी v+v, यानी दो बॉडी जब ऑपोजिट आती है वेलोसिटी ऐड हो जाती है। ये निकालना है मुझे, ये निकालने के लिए वी और वी चाहिए होगा। पहला पॉइंट याद रखना, कौन इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी की फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स मैंने नहीं लगाई, वो अपने आप लग रही है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो आप यहां पर लगा सकते हो m1a1 इज m2a2 या m1b1 इज m2, तो m1b1 इज m2b2 में छोटे मास का मोमेंटम और बड़े मास का मोमेंटम इक्वल। और लास्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, हमेशा वैलिड है, तो पहले इनिशियल रेस्ट पे फाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0, तो काइनेटिक भी क्या रहेगी 0, तो टोटल एनर्जी शुरू में कितनी है 0, टी डिस्टेंस पे काइनेटिक कितनी होगी ½mv² और पोटेंशियल कितनी होगी -gmm/t, लेकिन इनका सम क्या आना चाहिए 0,
इनिशियल जीरो तो फाइनल भी जीरो, राइट। तो यहां सेकेंड इक्वेशन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन में स्मॉल वी और कैपिटल वी वेरिएबल है, तो इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके स्मॉल वी और कैपिटल वी अगर निकाल लें तो रिलेटिव वेलोसिटी स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा। एडवांस क्वेश्चन है और ऐसे एडवांस के और भी क्वेश्चन हैं जो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो इसके बाद जो लेवल होगा वो इस टाइप के क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद लेवल होगा सन है, अर्थ आ रही है, नॉर्मली हम रेडियस मेंस तक और नीड तक क्या लेते हैं सेम, वो क्या करेगा किसी इंस्टेंट पर आर वन है और फिर चेंज हो, तो ऐसे प्रॉब्लम कैसे करनी है वो एडवांस का पार्ट रहेगा, राइट। यहां तक तो सन को रोटेशनल मोशन का टेस्ट है और आप क्या करेंगे अपने रजिस्टर्स कंप्लीट करेंगे, प्लीज साइलेंस ध्यान से सुन लो, बाद में नहीं कहना समझ में नहीं आया। रोटेशनल मोशन का ऑब्जेक्टिव है, ग्रेविटेशन के रजिस्टर्स कंप्लीट होंगे, मंडे को आपका इसका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, जितनी शीट्स हैं वो भी रिवाइज करके आनी है, राइट। मतलब रोटेशनल तक तो आप करो, या ऐसे कर लो रोटेशनल आप संडे को करो, संडे को जाकर अपने ग्रेविटेशन के रजिस्टर्स कंप्लीट कर लेना क्योंकि अब छुट्टी भी चाहिए आपको, तो संडे को रजिस्टर कंप्लीट, मंडे को इसका टेस्ट ले लूंगा, एक दिन स्पेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज